नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन के हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगन के साथ झटपट बन जाए वाली चकली का रेसिपी शेयर करे जाते हैं, जो देखे में बहुत बढ़िया लगे ले और खाए में बहुत स्वादिष्ट लगे ले। तो आप लोगन का चकली एकदम बाजार जैसन बन के तैयार हुई। तो यदि चकली का वीडियो भोजपुरी में आप लोगों के पसंद आवे तो वीडियो की लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो चकली बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच उड़द का दाल ले लेवे के, जो बिना छिलके वाली रही, अपने यहाँ के धोई भी बोलल जाला। तो इसी चम्मच से 2 चम्मच उड़द का दाल सबसे पहले ले लें। और अब इसी चम्मच से 2 चम्मच भुना चना ले लेवे के है, और गैस की आंच के मध्यम आंच करके ये चना और उड़द के दाल के हल्का भून लेवे के है। जब ये दाल का रंग बदल जाए तो गैस के बंद कर दें और ये सब सामग्री के ठंडा होने के लिए रख दें। और जब भी भुनी दाल ठंडी हो जाए तो एक मिक्सी के जार में डाल के महीन पीस लें। तो यहाँ पर हमारे पीस के तैयार हो गया। अब एक बड़ा सा कटोरा ले लें और ओकरे पर छन्नी रख दें। और यहाँ पर 1 कप चावल का आटा है, तो इसी कप से नाप के 1 कप चावल का आटा ले लें। और यहाँ पर जो ये पीस के तैयार भला एक ही डाल देवे के है, और ये दोनों के अब छान लेवे के है। और जब छान के हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देवे के है, 1 छोटा चम्मच ये काला तिल है, यहाँ पर आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकीला, स्वाद के अनुसार नमक है, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हींग है। अब ये सब के बढ़िया से मिला लेवे के है। ये सब के मिलावे के बाद यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच घी मिला लेवे के है। तो घी के सबसे पहले पिघला लें, ओकरे बाद मिलाएं। और घी के इतना बढ़िया से मिलावे के है कि जब आप ये मिश्रण का मुट्ठी बांधी तो मुट्ठी एकदम बढ़िया से बंधे के चाहिए। तो अब इमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेवे के है। तो आटा न ज़्यादा नरम लगावे के है, न ज़्यादा कड़ा लगावे के है। और इसी कप से यदि आप पानी नापब तो आपका 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इमें लगी तो आपका आटा एकदम बढ़िया सान के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हमारा आटा लग के तैयार हो गया। तो ये आटा के ऊपर थोड़ा सा हाथ में से रिफाइंड तेल लेके लगा देवे के है, ताकि आटा एकदम ऊपर से चिकना हो जाए और एकर चकली बहुत बढ़िया तरीके से बने लगे। ये चकली वाली मशीन है, बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाले। तो मशीन के पहले खोल लेवे के है, और उसके बाद में थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा लेवे के है, और ये जो सितारा के डिजाइन वाला प्लेट है ओके एकरे अंदर डाल लेवे के है। और उसके बाद जो हम लोग का चकली का आटा तैयार भला ओके में भर लेवे के है। अब यहाँ पर मशीन के ऊपर वाला भाग में इस तरह से लगा देवे के है, और इस तरह से दबा दबा के चकली का डिजाइन बना लेवे के है। बस मशीन के दबाव जाए के और गोल गोल घुमाव जाए के तो आपका चकली का डिजाइन एकदम बढ़िया बन के तैयार हो जाए। और जितना छोटी बड़ी चकली आपकी चाहत हुई वो हिसाब से आप चकली बना सकें। तो जब आपका 1 चकली बन जाए तो एक किनारा के यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के हल्के हाथ से चिपका दें, और इसी तरह से सभी चकली के इकट्ठा बना लेवे के है, और बाद में ओके एक साथ तल भी लेवे के है। तो चकली बनावल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा डिजाइन बनावे में 1-2 बार दिक्कत होले, और जब आप बार बार बनाए तो आपका डिजाइन चकली का बढ़िया बन के तैयार होके लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सब चकली बन के तैयार हो गई है। अब ये सब के तल लेवे के है, तो तले के लिए हम गैस पर एक तरफ कढ़ाई में रख दे लें तेल गर्म होके के लिए। तो जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसी अच्छे गर्म तेल में एक एक चकली के उठा के डाल देवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चकली कितना आसानी से हाथ में उड़ जाती है। और इसी तरह से जब तेल अच्छा गर्म रहे तब चकली के तेल में डालें, यदि तेल कम गर्म रहे तो ये पूरा चकली तेल पी ले और एकदम नरम बनी, अच्छी कुरकुरी ना बन के तैयार हुई। जैसे ही आप ये चकली के उठा के तेल में डालो तो तेल में अच्छा सा उबाल आई, उनमें से बुलबुला निकले, तो समझ आई कि आपका तेल अच्छा गर्म है। और इसी अच्छे गर्म तेल में ये चकली के तली, और जब ये चकली तल के तैयार हो जाए तो बुलबुला थोड़ा सा कम हो जाला तो पता चल जाए कि आपका चकली तल के तैयार हो गई है। और या फिर हल्के सुनहरे रंग का आपका चकली हो जाए तो समझ लें कि आपका चकली एकदम बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हमारे एक बार ही चकली तल के तैयार हो गई है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी बार भी चकली के तल लेवे के है। और यहाँ पर पूरा चकली हमारे तल के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चकली कितना बढ़िया बन के तैयार भई लिया। ये चकली खाए में एकदम खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होले, एक हवा अड्डन डिब्बा में रख के आप 1 से 2 महीना तक खा सकेला, खाए में बहुत स्वादिष्ट होले। तो मिलत है फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।